कार्तिक और नायरा का फाइनली फेस ऑफ हो गया है और कार्तिक है बहुत ही दुखी। क्या है इसकी वजह, आइए देखते हैं ये ऑन लोकेशन। आइए बात करते हैं कार्तिक से। कार्तिक और नायरा का फाइनली फेस ऑफ हो चुका है, जहाँ कार्तिक बहुत खुश थे उन्हें मिलकर। बार बार वही कह रहे थे कि मेरी नायरा जिंदा है, इट्स वेरी हैप्पी, इट्स वेरी नॉस्टैल्जिक, मोमेंट याद करते हैं। धीरे 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 उन्हें चीज़ें समझ में आने लगती, जब वो कहते कि कायरव की मॉम वहाँ अटकी हुई थी जहाँ से वो नायरा को बचाते हैं, और तब उन्हें समझ में आता है कि जो कायरव की मॉम है वही नायरा है। धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लग रही है, जहाँ जहाँ उनकी खुशियाँ जो नायरा को देख के जितना ही वॉज हैप्पी, वो सारी धीरे धीरे फेड आउट हो रही है। और धीरे धीरे इज रियलाइजिंग के उनका अपना बच्चा ही है कायरव, और 5 साल से उनसे दूर था, 4 साल समथिंग फ्यू मंथ्स से वो उनसे नहीं मिला। एंड देन ऑल दोस थिंग्स स्टार्ट हिटिंग हिम, दैट्स व्हेन ही गेट्स इन अ स्टेज वेयर नायरा वो एकदम फेस टू फेस है, और वो धीरे धीरे नायरा से ऑल्सो गोज इन हिज कैलकुलेशंस के कैसे वो कायरव से मिले थे, कायरव के साथ टाइम स्पेंड किया था, उससे पहले कायरव का नाम डिसाइड किया था, तो सारी चीज़ें कैसे वो गोवा पहुँचे थे, तो ऑल दोज कैलकुलेशंस आर गोइंग इन एंड फाइनली रियलाइजिंग एवरीथिंग। और जैसे जैसे वो रियलाइज कर रहे हैं, वो उतना और एग्जॉस्ट कर अपने माइंड को, और फाइनली ही सॉर्ट ऑफ लूज। आफ्टर जब कायरव की तबीयत ठीक हो जाएगी, मेरे बच्चे का नाम कायरव है, कायरव नहीं है, कायरव, ओके, जब वो ठीक हो जाएंगे, ही सॉर्ट ऑफ लूजिंग इट। फिलहाल वो देख रहे हैं कि किसी की वाइफ जो गुजर गई है, तो उन्हें दिलासा देने के चक्कर में वो थोड़ा सा और उन्हें उत्साह रहे, तो उसी देयर इज अ जोन वेयर ही काइंड ऑफ लूजेस इट फॉर अ व्हाइल एंड ही कम्स बैक, ही गोज आउट, तो वो थोड़ा सा वो आप पहली बार कार्तिक को कायरव अब सर्जरी के लिए जा रहे हैं, और बहुत ही मेजर सर्जरी, कुछ भी हो सकता है, और आपको और नायरा दोनों आप दोनों के सामने एक तरीके से चैलेंज है अपने बच्चे को डॉक्टर्स के हवाले करना, और आप लोग एक फॉर्म भी साइन करने वाले हैं। दैट इज मच मच अहेड ऑफ दिस, एंड जब वो आएगा तो वी विल स्पीक अबाउट इट। अच्छा, अबाउट सर्जरी, यस सर्जरी होने वाली है, बट दैट इज मच अहेड। एक लास्ट सवाल, नायरा और आपकी जो रिलेशनशिप है अब, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंड है, और इस स्ट्रेंड रिलेशनशिप में वापस इस वक्त इट्स नॉट इवन स्ट्रेंड, इट्स वर्क इज जस्ट इज स्टिल ट्राइंग टू कैलकुलेट। हम अभी भी देख रहे हैं कि वो कैलकुलेट कर रहे हैं सारी चीजें, जो अभी उनके दिमाग में पुरानी वाली नायरा ही चल रही है, जब वो लोग नाम डिसाइड करते, तो अभी तक वो कैलकुलेशन ही चल रहा है, अब तक ही जस्ट लूजेस इट कम्स बैक। तो अब जब नायरा को देख रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या बोलूँ मैं, गुस्सा विल बी अ वेरी स्मॉल थिंग फॉर ही इज नॉट एंग्री विद हर, बट 5 साल जो गुजर गए, तो बस वही चीज़ बार बार उनके दिमाग।